इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं। सूर्या रियल कम लाए हैं सूर्या होप सिटी, एक आलिशान टाउन से जो है सारी सुख सुविधाओं से सुसज्जित। सूर्या होप सिटी, सूर्या रियल कॉन प्राइवेट लिमिटेड। नमस्कार, स्पेशल रिपोर्ट में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं रजनी। कहीं कूड़े में कॉपी तो कहीं किताब की कमी, यही है बिहार की शिक्षा व्यवस्था का हाल। अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि अगर इस तरीके से सामने आएंगी घटनाएं तो इंटर में क्यों नहीं फेल होंगे 8.5 लाख छात्र, क्यों मैट्रिक में फेल नहीं होंगे 49% छात्र। हमने जब पड़ताल करनी शुरू की कि आखिर क्यों बिहार का रिजल्ट बिगड़ रहा है, लाख कोशिशों के बाद भी बिहार में सबसे ज्यादा बजट इस बार शिक्षा पर खर्च हो रहा है, फिर कहां कमी रह गई है। मुफ्त में किताबें मिल रही हैं, मुफ्त में यूनिफॉर्म मिल रही है, मुफ्त में खाना मिल रहा है, मुफ्त में शिक्षा मिल रही है, फिर इसके बाद भी क्यों फेल हो रहे हैं बच्चे। इसकी जब हमने पड़ताल की तो देखा कि कहीं पर कॉपी कूड़े में डली हुई है, कहीं 3 माह बीत गए हैं सत्र को, किताबें नहीं मिली हैं। अब किताबें नहीं मिलेंगी तो बच्चे पढ़ेंगे कैसे और बढ़ेंगे कैसे, आज इसी पर पड़ताल करेंगे। हमारे साथ अधिकारी भी जुड़ेंगे, नेता भी जुड़ेंगे, सवाल उनसे भी करेंगे कि आखिर ये क्या है, कहीं कूड़े में कॉपी है, कहीं किताब की कमी है। अजब बिहार की गजब कहानी, यहां बच्चे मैट्रिक में 49% फेल हो जाते हैं, इंटर में 8.5 लाख से ज्यादा छात्र फेल हो जाते हैं। आखिर क्यों ऐसा होता है, ये कोई गड़बड़ झाला है या वाकई में कमजोर है नींव बच्चों की, देखिए इस रिपोर्ट में। कटिहार और कैमूर की ये दोनों तस्वीरें बिहार की शिक्षा व्यवस्था की पोल खोलने के लिए काफी है। पहली तस्वीर कटिहार की है जहां कूड़े में कॉपियों को फेंक दिया है। दूसरी तस्वीर कैमूर की है जहां 3 माह बाद भी बच्चों को किताबें नहीं मिली हैं। अब आपको पूरा मामला विस्तार से बताती है। ये जो कॉपी कूड़े में आप देख रहे हैं ये कटिहार के मुफस्सिल थाना इलाके के उच्च माध्यमिक विद्यालय हाफलागंज के इंटर 11 की क्लास की है, जहाँ टेस्ट परीक्षा सम्पन्न हो गयी जिसका रिजल्ट आने वाला ही है, मगर उत्तर पुस्तिका स्कूल के बगल के झाड़ी में फेंक दी। तमाम कॉपियों में नंबर तो ऊपर जरूर दे दिए हैं, लेकिन कॉपियों के भीतर में उत्तर के एवज में कोई भी नंबर नहीं है। सरपंच खुद बताते हैं कैसा गड़बड़ छाला है। इस तरह से कॉपी बाहर फेंका जाना ये शिक्षा स्तर की दुर्भाग्य की बात है, और ये हमारे यहाँ पे जो इंटर कॉलेज है यहाँ पे जो कॉपी बाहर फेंका गया है इससे स्पष्ट साबित होता कि लापरवाही है। ये कॉपी इस तरह से बाहर नहीं फेंका जाना चाहिए था, और जो कॉपी हम लोग अभी देख रहे हैं उसमें जो मार्क्स दिया गया है बच्चे को 20 में 8, उसमें तो मिलना चाहिए था 20 में 18। शिक्षा विभाग के इस हालत पर अब छात्र अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ होते देख काफी परेशान है। अब कैमूर का मामला बताते हैं। सरकार शिक्षा को सुधारने के लाख दावे करती है, किताबें, यूनिफॉर्म, भोजन सब फ्री देने के दावे करती है, लेकिन उसकी क्या हकीकत है जरा इन बच्चों से ही सुनिए। विद्यालय में अभी किताब नहीं मिला है, सर बोलते हैं कि अभी विद्यालय में किताब नहीं आया है, जब सर ब्लैक बोर्ड पर देते हैं वो लोग हम लिख कर हम लोग घर पर याद करते हैं। हमारे सर बोलते हैं कि अभी किताब नहीं मिला है, हम अपने दोस्त के कापी से पढ़ते हैं, अभी हमारे विद्यालय में कापी नहीं मिला है, हम 5वीं क्लास में पढ़ते हैं। किताब नहीं अभी मिला है? अभी किताब नहीं मिला है। तो पढ़ाई भी कुछ भी नहीं हो पता होगा, घर पे कैसे पढ़ती हो? अपने दोस्त की बुक से पढ़ती हूँ। सुना आपने, किताबें नहीं मिली है। जी हाँ, बच्चों की पढ़ाई कैसे होती है जब हमने ये जानने की कोशिश की तो पता चला कि कैमूर के सरकारी स्कूल में कक्षा 1 से 8 तक के छात्रों को अभी तक किताबें नहीं मिली है, जबकि सरकार ये किताबें फ्री में देने का दावा करती है। जिला शिक्षा पदाधिकारी रामराज प्रसाद ने इसे विभाग की बहुत बड़ी चूक माना है।
हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि जिला मुख्यालय से 29,000 किताब की डिमांड की गई है, लेकिन अभी तक वो पूरी नहीं हो सकी है। ऐसे में बिहार के बच्चे कैसे पढ़ेंगे, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि पाठ्य पुस्तक की स्थिति यही है कि विभाग के द्वारा अभी किताब उपलब्ध नहीं हो पाई, पुराने से ही काल चला, बच्चे काल चला। एक भी बच्चों को उपलब्ध नहीं हुआ? एक भी बच्चे को नहीं। आज 3 महीने बीत गया, कैसे बच्चों को पढ़ाई होती होगी? पुराने से लोग पढ़ाते होंगे, लिख करके भेजा गया है कुछ। कितने दिन हुआ लिख के भेजेंगे? 2 महीना तो लगभग हो गया। 2 महीना हो गया, आने की संभावना? अभी उम्मीद कम। बीएसईबी की शिक्षा व्यवस्था पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। मैट्रिक में 49% बच्चे फेल हो गए हैं। ऐसे में सवाल ये कि आखिर इन बच्चों की पढ़ाई कैसे होगी। ये वही बिहार है जहां सबसे ज्यादा बजट शिक्षा पर खर्च होता है। कहां गया वो बजट, कहां गई वो मुफ्त की किताबें जिनसे बच्चे पढ़ते। जनाब, अगर नींव ही कमजोर होगी तो 10वीं में तो बच्चे फेल ही होंगे। न्यूज इंडिया के लिए कटिहार से श्याम कुमार और कैमूर से देवव्रत की रिपोर्ट। तो कमियां बहुत हैं, सुधारने की जरूरत है, और न्यूज इंडिया जब आंखें खोल रहा है तो अब वक्त है कि जरा सुधर जाइए। अगली बार का रिजल्ट खराब हो उससे बेहतर है कि अभी सुधारने की कोशिश करिए, क्योंकि बच्चे अगर फेल होते हैं, लापरवाही किसी की भी हो, कई बार ऐसा होता है माँ बाप की डांट का शिकार बच्चे होते हैं और बच्चे गलत कदम उठा लेते हैं, तो ऐसा करने से हम और आप रोक सकते हैं। जगाने की कोशिश है प्रशासन को। हमारे संवाददाता दोनों जुड़ गए हैं, देवव्रत तिवारी कैमूर से और कटिहार से श्याम कुमार। सबसे पहले श्याम कुमार आपसे सवाल, ये कूड़े में जो कॉपियां डली हैं, जब आपने अधिकारियों से या स्कूल से बात करने की कोशिश की तो उनका क्या जवाब था? अभी तो रिजल्ट भी नहीं आया है, बच्चे को कैसे बताएंगे कि तुमने कहां गलती की थी, ये है तुम्हारी कॉपी, इतने नंबर मिले हैं तुम्हें। देखिए, यही दिगंबना है शिक्षा विभाग की, खासकर बिहार में शिक्षा विभाग की जो गिरती अवस्था है, ये साफ जाहिर होता है कि आखिर जो बच्चियां बच्चे जो परीक्षा देते हैं उसकी कॉपियां जांच होती है और जांच के बाद ही रिजल्ट दिया जाता है, लेकिन यहाँ पे जो हालात है कॉपी जांच से पहले ही फेंक दिया जाता है और बच्चे वो कॉपी देखने के बाद बच्चे को ये आश्चर्य लगता है कि मैं ये क्या हो रहा है बिहार में शिक्षा की स्थिति को। हालांकि अधिकारी से बात होने के बाद अधिकारी से जांच की बात कर रहे हैं। जी बिल्कुल देवव्रत, अब आपसे सवाल ये है कि किताबों की कमी है, 2 महीने हो चुके हैं, लेटर लिख दिया है, जवाब आया नहीं है, ये बच्चे पढ़ते कैसे? कितने बच्चे हैं वहाँ पर जिनका नामांकन वहाँ पर हुआ है? जी हम आपसे बता दें कि जिस विद्यालय में हम लोग गए थे जांच के लिए उसमें 583 बच्चे रिक्त पढ़ रहे हैं, जिसमें कि सारे बच्चों के कोई भी बच्चे ऐसा नहीं थे जिसको किताब मिल गया है। अगर जितने बच्चे हैं बच्चों में से पूछा गया तो बोले कि जो पुराने साल के लोग थे उन लोगों से हम लोग किताब लेकर एक आध दो ठो पढ़ रहे हैं, बाकी हम लोग को किताब नहीं मिला है। तो सबको तो तब भी नहीं मिल पाई होंगी किताबें, सिलेबस भी चेंज हो जाता है कभी कभी। जी हाँ, इस संबंध में हम लोग बात भी किए, शिक्षक से भी बात किए। शिक्षक के द्वारा बोला गया कि हमारे यहाँ से लेटर बनाकर भेज दिया गया है लेकिन अब जिला से नहीं मिला तो हम क्या करें, इसी संबंध में हम लोग डीओ के पास भी गए थे। लेकिन सबसे बड़ा शिक्षा का बिहार में स्तर गिरने का मुख्य माध्यम यही है, जबकि बच्चे आज तक पढ़ेंगे नहीं, आगे जाकर पढ़ेंगे कोचिंग से तो कितना ये कर सकते हैं, इसलिए बिहार का रिजल्ट बिगड़ रहा है। हाँ, बच्चे तो फिर आते होंगे, खेलते होंगे, एक आध कोई किताब हो भी जैसे तैसे पढ़ा दिया, सबके पास अपनी किताबें ही नहीं है, करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं, आखिर जाते कहाँ हैं ये करोड़ों रुपए? जी करोड़ों रुपया सरकार के द्वारा मिलता है तो कुछ ऊपर में लूट हो जाती है, कुछ नीचे में लूट हो जाती है, विद्यालय में पहुँचता कहाँ है? के चक्कर में ये सारे शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त होते जा रहा शायद है। शायद यही वजह है, किताबें नहीं मिली 8वीं तक। आप सोचिए किताबें इतनी लेट मिलेगी, बच्चे कैसे पढ़ेंगे, कैसे बढ़ेंगे? तो जब 10वीं का बोर्ड रिजल्ट पहली बार आएंगे तो वो तो धड़ाम से गिरेंगे, 49% बच्चे तो फेल हो ही जाएंगे जो इस बार हम देख रहे हैं, शायद यही वजह है उसकी। अब कटिहार से हमारे संवाददाता श्याम कुमार भी जुड़े हैं। श्याम कुमार, ये जो कूड़े में कॉपियां मिली हैं, चलिए हमने बात मैट्रिक तो कर ली है, अब इंटर का रिजल्ट क्यों खराब आता है? क्योंकि 10th के बाद जब बच्चे 11th में जाते हैं प्रैक्टिकल होते हैं, केमिस्ट्री वगैरह में जो प्रैक्टिकल्स होते हैं, जो थ्योरीज होती हैं, जो कुछ फॉर्मूले होते हैं, एक एक नंबर अगर फॉर्मूला गलत होता है तो नंबर कट जाते हैं। अब ये कॉपियां कूड़े में फेंक दी हैं, बच्चों को कैसे बताएंगे शिक्षक कि ये फॉर्मूला आपने यहाँ गलत लिखा था, इसीलिए कैसे अब जवाब दे पा रहे हैं, कुछ कह पा रहे हैं? इन कॉपियों को उठाया किसी ने, रखा दोबारा से?
देखिए अभी फिलहाल जो गर्मी की छुट्टी चल रही है और सारों की स्कूल कॉलेजेस बंद है, जिसके कारण जो शिक्षा विभाग के या जो स्कूल या कॉलेज के जो शिक्षक है उनसे मुलाकात नहीं हो पा रही है, ना फोन से ही कॉन्टेक्ट। हालांकि बच्चे लोग का कहना है जब हम लोग इस तरह से जो टेस्ट परीक्षा होती है उसमें हम लोग परीक्षा देते हैं और हमारा साथ ये खिलवाड़ किया जाता है कि कॉपी को जांचा नहीं जाता है और उसे फिर उसे कूड़े खाना में फेंक दिया जाता है, तो बच्चों लोग में खुद ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करे तो क्या करे। फिलहाल जो स्थिति बनी हुई है कॉपियां जो है वो गाछ में झाड़ी में फेंके हुए हैं और बच्चे उस एक एक कॉपियों को चुन कर अपने पास रख रहे हैं। जी बिल्कुल। और कटिहार के सरपंच ने भी कुछ कहा है, हम आपको एक बार फिर से सुनवाते हैं, तमाम दर्शकों को सुनवाते हैं कि कटिहार के सरपंच ने जब ये कॉपियां देखी तो उन्होंने क्या कहा है, एक बार फिर से आप सुन लीजिए। इस तरह से कॉपी बाहर फेंका जाना ये शिक्षा स्तर की दुर्भाग्य की बात है और ये हमारे यहाँ पे जो इंटर कॉलेज है यहाँ पे जो कॉपी बाहर फेंका गया है इससे स्पष्ट साबित होता कि लापरवाही है। ये कॉपी इस तरह से बाहर नहीं फेंका जाना चाहिए था और जो कॉपी हम लोग अभी देख रहे हैं उसमें जो मार्क्स दिया गया है बच्चे को 20 में 8, उसमें तो मिलना चाहिए था 20 में 18। 20 में 18 मिलने थे लेकिन 8 ही मिले हैं। अब जो कॉपियां गलत तरीके से चेक किए हैं वो भी नहीं बता सकते कि कॉपी तो फेंक दी है। श्याम कुमार, एक तो कॉपियां फेंक दी, दूसरी बात जैसे सरपंच खुद कह रहे हैं देखा है उन्होंने 8 नंबर दिए गए हैं जबकि 18 मिलने चाहिए थे ठीक से अगर रिटोटलिंग की जाती तो। देखिए जिस बच्चे का वहाँ से कॉपी आप फेंकी गई है बाहर में, उस बच्चे के द्वारा जब उस कॉपी को उठाया गया उसके बाद उसे देखा गया तो जो सवाल के आंसर का जवाब दिया गया था उसमें 20 में 18 नंबर मिलना चाहिए। हालांकि उस जवाब को चेक नहीं किया गया है कि बच्चे ने क्या लिखा है, नहीं लिखा है, सिर्फ ऊपर के पृष्ठ में 8 नंबर देकर घेर दिया गया, उसके बाद इसे रखना चाहिए उसे फेंक दिया गया। हालांकि बच्चे लोग काफी परेशान है कि हम उनके पास अभी तक रिजल्ट नहीं आई है और इसे फेंक दिया गया है जिसके कारण बच्चे काफी परेशान है। जी चलिए ठीक है, अब बच्चे परेशान है लेकिन बीएससी भी अभी कुछ कदम उठाना होगा ये हकीकत देखने के बाद। शिक्षा मंत्री अशोक चौधरी बार बार कहते हैं कि हम बजट पर सबसे ज्यादा खर्च कर रहे हैं, हम वाईफाई लगा रहे हैं, हम शिक्षा सुधार रहे हैं, हम नकल को बंद कर रहे हैं, उसके पहले जरूरी है कि किताब दिए जाए। इस वक्त हमारे साथ बीजेपी के विधायक भी जुड़ गए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है तारकिशोर प्रसाद जी आपका न्यूज इंडिया पर। जी बताइए। शिक्षा व्यवस्था बिहार की गिर चुकी है, देश भर में चर्चा हो रही है। यहाँ पर मैट्रिक में 49% बच्चे फेल हो जाते हैं, इंटर में 8.5 लाख बच्चे फेल हो जाते हैं। अगर नींव कमजोर होगी तो कैसे मजबूत होगी शिक्षा व्यवस्था, ये सवाल है हमारा। कहीं पर कूड़े में कॉपी है, कहीं पर किताबों की कमी है, क्यों आपको क्या लगता है? आप लोग की भी तो सरकार रही होगी, मुफ्त की किताबें जो दी जाती हैं कहाँ जाती हैं वो किताबें, कहाँ जाता है वो बजट? देखिए महागठबंधन की जो सरकार बिहार में चल रही है जी, और जो एक सुशासन का प्रभाव दिखना चाहिए वो बिल्कुल खत्म हो गया है। सरकार लापरवाह हो चुकी है, ये 3 दलों की सरकार है और पता ये बात समझ में नहीं आ रही है कि ये लोग किसको डिफेम करना चाहते हैं। जो मंत्री हैं उनको अपने विभाग में रुचि नहीं है, पूरी व्यवस्था चौपट हो चुकी है और शिक्षा भी उसका शिकार हो गया है। अब विधायक हैं, मॉनसून सत्र में क्या इस मामले को उठाएंगे कि किताब क्यों नहीं मिलती है? शिक्षा हम सबों के लिए मानसून सत्र में सबसे टॉप प्रायोरिटी में रहेगा क्योंकि इसके साथ लाखों बच्चों का भविष्य जुड़ा हुआ है। ये ऐसा विभाग है कि लाखों बच्चों का भविष्य जुड़ा है जो कल का बिहार बनने वाला है। शीतकालीन सत्र में भी हमने देखा था सवाल किए गए थे तो बार बार ये कहता है प्रिंटिंग के लिए पेज नहीं है, किताबों के लिए जब कुछ है नहीं तो फिर ये बजट क्यों इतना खर्च हो रहा है? तो मैंने ही सवाल उठाया था कि ये जो टेक्स्ट बुक का की जो किताबें प्राथमिक कक्षा के छात्र छात्राओं को देना था उसमें सरकार ने कमिट किया था कि अगले वित्तीय वर्ष से उसको दुरुस्त करेंगे। ठीक है विधायक जी, हम लौटेंगे आपके पास। हमारे साथ डीएम साहब जुड़ गए हैं, मिथिलेश मिश्रा जी स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। मिथिलेश जी, जब भी आप न्यूज इंडिया पर आते हैं जो आश्वासन देते हैं वो जरूर पूरा होता है, ये सबसे अच्छी चीज है आपकी, शायद इसलिए भी हम एक बार चाहते हैं कि आप इस पूरे मामले को संज्ञान में लें। कटिहार में कॉपियां कूड़े में फेंक दी गई, 11th की टेस्ट की कॉपियां हैं, आपको नहीं लगता ये गलत है? अभी रिजल्ट आए नहीं है, बच्चों को कॉपियों के थ्रू ही तो बताते हैं कि आपने ये गलतियां की हैं ये सुधारिए। जी जी
और कल ये मामला मीडिया के माध्यम से संज्ञान में आया है जी, और शिक्षा पदाधिकारी को मैंने निर्देश दिया है कि पता कीजिए कि क्या मामला है। और अभी आज सुबह सुबह ही हम लोगों ने माननीय विधायक जी भी साथ में बैठक में मौजूद थे। अभी हम लोगों ने जो जिला विद्यालय होता है, जिला हाईस्कूल बोलते हैं इसको, वहाँ पर हम लोगों ने बैठक की है कि विद्यालय की व्यवस्था कैसे अच्छी की जाए। बिहार में जो सिस्टम है कि सभी हाई स्कूल्स में सामान्यतः जो माननीय विधायक होते हैं, जिला के अध्यक्ष होते हैं, उसकी भी जो प्रबंधकारिणी होती है, और कटिहार में दो जिला स्कूल है जिसमें जिला पदाधिकारी अध्यक्ष है। तो अभी सवेरे ही हम लोगों ने बैठक की है कि कैसे विद्यालयों में पठन पाठन अच्छा रखा जाए और कैसे बाकी व्यवस्था की जाए। ये जहाँ तक ये कॉपियों का मामला है तो हमने शिक्षा पदाधिकारी को निर्देश दिया कि पता कीजिए कि कॉपियां कैसे ये विद्यालय के बाहर गई हैं, और उनकी रिपोर्ट आ जाती है तो हम उस पर कार्रवाई करेंगे। किस किस के खिलाफ कार्रवाई होगी, स्कूल प्रिंसिपल या जो वो शिक्षक है, किसके खिलाफ? जो भी व्यक्ति दोषी होगा ना, मतलब कॉपियां बाहर कैसे गई, टीचर ने ले जाके फेंका है या किसी व्यक्ति ने चुरा के फेंका है या किसी ने बदमाशी करने की कोशिश की है, जो भी लापरवाही किया होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। कब तक जांच रिपोर्ट आएगी? दो दिन के अंदर आ जाएगी रिपोर्ट। दो दिन के अंदर आ जाए। विधायक जी, आपके आपके पास लौटना चाहेंगे। आप कह रहे थे कि आपने इस मामले को उठाया था, और जैसे कि डीएम साहब भी कह रहे हैं कि बैठकें लगातार होती हैं, बैठकें होती हैं, लेकिन उतना डर क्यों नहीं दिखता है शिक्षकों में कि भाई बैठक हो रही है, हमें अपना कर्तव्य भी निभाना है, बच्चे अगर फेल हो रहे हैं, हम अगर चाहें अच्छे से पढ़ाए तो बच्चे पास हो सकते हैं। तारकिशोर प्रसाद जी, आवाज आ रही है? विधायक जी, लगता है फोन कट गया है। मिथिलेश मिश्रा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने कम से कम इस पूरे मामले को संज्ञान में लिया है। तारकिशोर जी हमारे साथ विधायक जुड़े थे। इसके अलावा हमारे संवाददाता भी जुड़े थे, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में भाग लेने के लिए। उम्मीद करते हैं कि ये जो खबर दिखाई जा रही है, कूड़े में कॉपी है और कहीं पर किताबों की कमी है, इसका असर जरूर होगा, और जल्द से जल्द जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई जरूर करेगी सरकार। और बात करते हैं खबर के असर की। न्यूज इंडिया ने स्पेशल रिपोर्ट में कई खबरें दिखाई है और उनका असर भी हो रहा है। सबसे पहले बात करते हैं कटिहार की खबर की, जहां पर भूख हड़ताल पर बैठे विस्थापितों को देर रात एक ऐसा संदेश मिला जिसके बाद वो नाचने झूमने लगे। देखिए इस रिपोर्ट में। पुनर्वास की आस नाम से हमने स्पेशल रिपोर्ट में 20 जून को खबर दिखाई थी, कैसे विस्थापित अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। मांगों को लेकर पुनर्वास संघर्ष समिति के लोग 5 दिनों से अनशन पर बैठे थे। न्यूज इंडिया पर खबर दिखाने के बाद प्रशासन हरकत में आया और मांगे न केवल मान ली, बल्कि जिला अधिकारी देर रात अनशन स्थल पर पहुंचे और अनशन खत्म करवाया। विस्थापितों के पुनर्वास की मांग पर सामाजिक कार्यकर्ता विक्टर झा 5 दिनों से भूख हड़ताल पर थे। विक्टर के समर्थकों ने 25 जून से जिले के नाकेबंदी की चेतावनी दी थी, जिसके बाद से ही प्रशासन कई दौर की बातचीत कर रहा था, और देर रात जिलाधिकारी ने पुनर्वास के मुद्दे पर ठोस निष्कर्ष का आश्वासन देते हुए जूस पिलाकर अनशन तुड़वाया। पुनर्वास समिति है, इनकी जो अनशन अपना वापस ले लिया है और अभी अनशन तोड़ दिया है, और जो इसके लिए कार्यक्रम की रूपरेखा बनाई गई है कि जिला स्तरीय एक समन्वय समिति बनेगी पुनर्वास के लिए, जिसमें सभी प्रखंडों से लोग शामिल रहेंगे, और वो लोग अपने स्तर से एक सूची प्रशासन को सौंपेंगे कौन से लोग विस्थापित हैं। उस सूची के आधार पर हम लोग सर्वेक्षण भी करा लेंगे ताकि कोई नाम छूटा नहीं हो या कोई नाम गलत नहीं हो, और उसके आधार पर फिर जो जमीन देने की प्रक्रिया है उसको हम लोग शुरू करेंगे। अधिकारी ने जैसे ही अनशन खत्म करवाया और मांगे मानी तो अनशनकारी नाचने लगे और खुशी का इजहार किया। वहीं सामाजिक कार्यकर्ता विक्टर झा भी जिला अधिकारी के आश्वासन से संतुष्ट नजर आए और इस फैसले का स्वागत किया। आश्वासन मिला है कि कल से काम स्टार्ट होगा, और जो हमारा APL और BPL का मामला था
वो एपीएल बीपीएल सॉल्व हो गया, अब उसके ऊपर विस्थापितों को एपीएल बीपीएल में नहीं बांटा जाएगा। और जो अभी तत्कालिक कारण था कि झोपड़ी को तोड़ा जा रहा था, तो वो डीएम साहब तत्कालीन प्रभाव से अभी जो है तुरंत अभी ऑर्डर निकाले हैं कि अब कल से कोई झोपड़ी नहीं टूटेगा पूरे जब तक इन लोगों को विस्थापितों को पुनर्वासित ना करवा दिया जाए। अभी विपरीत समय है, बारिश है, बाढ़ का समय है, लगभग वही करीब 8,000 हम लोग प्रस्तुत करेंगे, 8,000 के आसपास। इतना लेट नाइट डिसीजन के क्या कारण है? सुबह से नेगोशिएशन चल रहा था, 3 राउंड में ये नेगोशिएशन हुआ और लास्ट में ये फैसला हुआ। और जी जी जी, आखिरकार करो और मरो जो नारा दिया था वो कामयाब रहा और न्यूज इंडिया भी कामयाब रहा। जिस खबर को हमने दिखाया उसका असर हुआ और विस्थापितों की पुनर्वास की आस अब पूरी होगी। न्यूज इंडिया के लिए कटिहार से श्याम कुमार की रिपोर्ट। तो बिहार ही नहीं, झारखंड की एक खबर का असर हुआ है। सरायकेला की खबर हमने 22 जून को दिखाई थी कि कैसे एक माहिर तीरंदाज, जब आप उसकी तीरंदाजी देखेंगे तो महाभारत के अर्जुन की याद आ जाएगी। लेकिन इसके बाद भी उसे सही पहचान और सही मंच नहीं मिल रहा था, अब उसे सब कुछ मिलेगा। देखिए इस रिपोर्ट में। जी हाँ, एक और अर्जुन, इसी नाम से हमने स्पेशल रिपोर्ट में 22 जून को खबर दिखाई थी और न्यूज इंडिया की खबर का असर भी हुआ। हमने आपको सरायकेला के अर्जुन की स्टोरी दिखाई थी जिसमें सप्तऋषि गुरुकुल के छात्र सनातन टुडू तीरंदाजी में बेहतरीन प्रदर्शन कर रहा था, बावजूद इसके प्रशिक्षण और जरूरी चीजों के अभाव में उसकी प्रतिभा किसी के सामने नहीं आ सकी थी। लेकिन हमारे चैनल पर खबर दिखाए जाने के बाद जिला प्रशासन हरकत में आया और देर रात भारी बारिश के बावजूद अधिकारी गुरुकुल में पहुंचे और सनातन टुडू से मुलाकात की। न्यूज इंडिया से पता चला कि एक गुरुकुल है गम्हरिया में, उसमें एक बच्चा है सनातन टुडू जो तीरंदाजी के कला में बहुत महारत हासिल है और उसी को मतलब यही करने पर जो है इस मैटर में मेरा डीसी सरायकेला से भी बात की थी, तो उन्होंने भी जो इनको प्रोत्साहन का ये दिया था और उसी के आलोक में जो है आज हम गुरुकुल पहुँचे हैं। और अभी जो हम देखे हैं कि जो ये जो है निशाना बढ़िया ही करता है, लेकिन इसके पास जो तीर और धनुष है वो एकदम जो है गाँव में यूज होता है उस ढंग का है, तो इसको जो है हम जो है सरकार की ओर से जो भी मतलब का कि सुविधा होगा सुविधा मुहैया कराने का पूरा कोशिश करेंगे। प्रशासन ने सनातन टुडू को गोद लेने का ऐलान किया जिससे गुरुकुल के लोग भी खुश हैं और खुद नन्हा अर्जुन भी, और न्यूज इंडिया का आभार भी जताया। खेर साहब आए थे हमारे टीवी में, तीर का निशाना देख के यहाँ ढूंढते ढूंढते आए थे और अभी साहब जी हमें तीरंदाज एकेडमी में ले जाएंगे और आगे शिक्षा देंगे। तो कितना उम्मीद है तुम साहब के भरोसे पर खड़ा उतर सकोगे? जी हम पूरा पूर्ण विश्वास है कि हम लोग साहब के भरोसे में खड़ा हो सकेंगे। वहाँ तो पूरा परिस्थिति अलग रहेगा, यहाँ का माहौल नहीं रहेगा, तो ऐसे में अपने आप को कैसे ढालोगे? पूरा देख के अपने आप को पूरा ढाल सकेंगे। कि न्यूज इंडिया जो पहला दिन ही गुरुकुल में जैसे पहुँचा, न्यूज इंडिया से खबर होने के पश्चात सरकार वर्तमान हामी लोग का बच्चा को जो आगे तीरंदाजी में स्थान देगा और ये लोग आगे ले करके जो हामी लोग का ओलंपिक तक लेकर पहुंचाएगा, और ये न्यूज इंडिया हम लोग का बच्चा का इच्छा को पूरा कर लिया और हामी लोग का बच्चा वर्तमान मेरा इच्छा को साकार कर ले। तो अब आज के अर्जुन को भी मंच मिलेगा जिससे वो दुनिया में अपनी पहचान बना पाएगा और देश का नाम रोशन करेगा। न्यूज इंडिया के लिए सरायकेला से संतोष कुमार की रिपोर्ट। तो हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते, उसका असर भी होता है और हमारा वादा है आपसे, हम अपना कर्तव्य निभाते रहेंगे, सामाजिक सरोकार से जुड़ी खबरें इसी तरीके से दिखाते रहेंगे और उसका असर भी हो। इसीलिए हम नेताओं को भी जोड़ते हैं, अधिकारियों को जोड़ते हैं और वाकई में ये उनकी भी मेहनत है कि वो पूरी कोशिश करते हैं, समस्याओं को हल करते हैं।
अब हमें दीजिए इजाजत, तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज इंडिया। आप हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कर सकते हैं न्यूज इंडिया निम्स पर। इसके अलावा आप ट्विटर पर भी हमें न्यूज इंडिया 17 पर फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पर आप न्यूज इंडिया .NIMS UNI पर हमें लाइक कर सकते हैं।